ओके, फर्स्ट का बताओ। ई ऑप्शन एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला बताओ मुझे। कॉमन नेम है सर ये। हाँ, इसका फॉर्मूला बताओ। सर एसिटिलीन सर फर्स्ट से सेकंड नंबर में से है सर एक ये। नोट कर लो, एसिटिलीन ये होता है, इथाइन। ट्रिपल बॉन्ड आ गया हाँ, तो सी टू मेरे एच को टू। सारे ना आईयूपीएसी नेम से याद है सारे कंपाउंड्स कोई नहीं, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक है, एसिटिलीन। नोट किया हुआ है सर बुक पे। हाँ लिखा हुआ है ओके, नेक्स्ट बताओ। फटाफट। जनरल फॉर्मूला फॉर काइनेज CnH2n-2 सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एल्काइन सर सी ऑप्शन। सी, ठीक है, नेक्स्ट। अगर दोनों साइड हाइड्रोजन है अगर दोनों साइड कार्बन है तो सर एक नंबर। नहीं, तो सी का तुम हाँ बोल रहे हो कि दोनों साइड अगर हाइड्रोजन है, अगर दोनों साइड नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी है, तो क्या ये एल्काइन नहीं है? जी फैमिली होती है हाइड्रोकार्बन्स की होती है सर ये। नहीं नहीं बाबू, एल्काइन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी होना जरूरी है, बाकी कुछ भी हो उसमें क्या है? ठीक है, ओके सर कुछ भी हो सकता है, बाकी वो एल्काइन ही होगा। एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं कुछ से साफ कर नहीं सर शायद बेंजीन बेंजीन, है। रुको, बेंजीन एरोमेटिक होता है, एलिफैटिक पूछा यहाँ पे। अभी देखो, तुमने अभी तो बोला कि बेंजीन एरोमेटिक होता है ना। फर्क नहीं पता एरोमेटिक और एलिफैटिक हाँ, में। वो बताया भी नहीं जाएगा, वो 11th में होता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये लिख लो, एलिफैटिक कंपाउंड्स। एक सेकंड सर सर आर दोज विच आर नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं होता उसको एलिफैटिक बोलते हैं। सिंपल, अभी के लिए इतना ही मानो। ठीक है, अब एरोमेटिक क्या होता है पता है क्या? ये ये सर जो फ्रेगनेंस छोड़ते हैं वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। देखो, एरोमेटिक ना अभी सर। करवाया नहीं है, ठीक है, तो ओके सर मैं तुमको, जैसे एरोमेटिक ये होता है, जैसे एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं तुमको एक इसकी पहचान बताता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ना, पहली बात तो यस ऑलवेज साइक्लिक होंगे, ठीक है, सर ओके सर ऑलवेज साइक्लिक। दूसरी बात, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे उनमें, ठीक है। ओके सर अच्छा, ये बहुत सही बात तो नहीं लिखी मैंने, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, पर ठीक है, अभी 10th के लिए मैंने इतना ही बता दिया। ठीक है, और सर एक चीज पूछनी थी। हमें सर सर ने बताया कि जो बेंजीन है उसका साइंटिफिक नेम जो साइक्लोहेक्सीन है तो गलत नहीं हो गया। हाँ रुको, उस पे आते हैं अभी, पहले हम जो कर रहे हैं वो करते हैं। ठीक है, ओके सर मैं एरोमेटिक और एलिफैटिक बता रहा हूँ। तो ओके सर एलिफैटिक वो होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते, ठीक है, तो मैं बहुत ही रफ सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। और एरोमेटिक क्या होते हैं? जो साइक्लिक होते हैं और उनमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका मतलब जो ए साइक्लिक हो गए वो तो ऑलवेज एलिफैटिक होंगे ना, हाँ जी, ठीक है ना? सो दिस हाँ मीन्स जी, ए साइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज ऑलवेज एलिफैटिक। तो अभी के लिए इतना बहुत है, 11th में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो एरोमेटिक नहीं है दैट इज एलिफैटिक, इतना याद रखो, ठीक है। और एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं, उनमें सर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका आंसर बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन एरोमेटिक होता है। ठीक है, सर नेक्स्ट का मोलर हाँ, यूरिया अमोनियम साइनेट से वोलर ने बनाया था। अभी अगला है इथाइन, बताओ इथाइन कौन है इनमें से? इतना टाइम ले लिया तो हो गया फिर। सर मैं नहीं सर जी, बीतेश बताओ ना। वो बात करने आया था कोई
अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग. अरे सिक्स तो बताओ पहले. सैचुरेटेड इथाइन थ्री वाला इथाइन होता है. अरे चलो ठीक है. ऑप्शन ए ट्रिपल बॉन्ड. हाँ ठीक है अगला बताओ. थ्री वाला इसमें अनसैचुरेटेड. अगला सर ए फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन और सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें है सेकंड और थर्ड ऑप्शन कहाँ पे है. ओके अनसैचुरेटेड होता है इन और आइन है ना. यस सर. बस इन नहीं होते. हाँ एन नहीं होते इन और आइन. ठीक है एट्थ का बताओ. ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हाइड्रोजन एटम्स का. सबसे ज्यादा एल्केन्स में प्लस 2 2n 2n हर 2 माइनस हो रहा है. तो एल्केन्स में होते हैं एल्केन्स का फार्मूला ये होता है CnH2n plus 2. एल्कीन्स का CnH2n. एल्काइन्स का CnH2n minus 2. ये एल्कीन और एल्काइन का तब है जब इसमें एक ही डबल बॉन्ड और एक ही ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है ना. चलो नाइन्थ का बताओ. बेंजीन सैचुरेटेड नहीं है डबल बॉन्ड है उसमें है ना. बाकी सब में तो एन है ना. देखो एन है पीछे. एन एन वाले तो सैचुरेटेड होते हैं. ठीक है आगे कुछ भी हो तो आंसर बी है. टेंथ बताओ. सी टू एच टू क्योंकि एल्काइन ग्रुप में आ रहा है. क्वेश्चन तो पढ़ लो. वीकेस्ट तो इसमें होगा ना. क्योंकि एडिशन रिएक्शन के बाद तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यही हो जाता है. रिएक्टिव थोड़ी पूछा. रिएक्टिव थोड़ी पूछा है आपसे. वीक नहीं होगा सर. जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो टूट जाते हैं डेली बॉन्ड्स. हाँ तुम्हारा लॉजिक भी सही है पर हमको पूरा तोड़ना है इसको. कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है. इसमें आपको तीन बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे. इसमें दो इसमें एक. पूरा तोड़ना है ना. ठीक है. एडिशन रिएक्शन में तीनों बॉन्ड नहीं तोड़ देना आप. एक तोड़ते हो उसमें से या दो तोड़ते हो. अगर आप H2 ऐड कर दो सर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा. एक और H2 ऐड कर दो तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा. बाबू आपने फिर तीनों बॉन्ड नहीं तोड़े ना उसमें. ठीक है H2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा ना है ना. yes, sir. और H2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा ना. yes, sir. इसमें आपने कितने बॉन्ड तोड़े. एक ही बॉन्ड तोड़ा ना. सी डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड का. yes, sir. जब यहाँ पूछा गया तीनों तोड़ने हैं आपको. तीनों तो नहीं तोड़े ना. कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ना ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी ना भाई. तीन बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी. कॉमन सेंस है ये तो. तो नेक्स्ट बताओ. एल्काइन लग रहा है सर क्योंकि ये एल्कीन ही होते हैं सर. साइक्लिक है क्योंकि ये एलिफेटिक साइक्लिक होता है और अपने हाइड्रोजन पे डबल बॉन्ड होता है. थोड़ा ध्यान से देखो. तुमको आता है लेकिन तुम ना पढ़ नहीं रहे हो और गलत कर दे रहे हो. अभी मैंने बताया कि एलिफैटिक तो एरोमेटिक नहीं होते और साइक्लिक होते हैं. अरे ये कब बताया मैंने. यहाँ साफ साफ लिखा है कि ओपन चेन है. साइक्लिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है एल्काइन बन रहा है CnH2n-2. एलिफैटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं. मैंने ऐसा कब कहा. नहीं मैंने तो नहीं कहा.
इतना टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट 13th बताओ। अच्छा सर बी ऑप्शन आ रही है। 12th का भी? यस सर। हाँ बी ठीक है। तो सी इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें दो बॉन्ड है तो टू पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मोबाइल नहीं है, सर मोबाइल का मतलब होता है घूमते फिरते रहते हैं जो, तो यहाँ पे घूमते वो तो फिरते नहीं नहीं रहते, है। यहाँ यहीं रहते हैं, ठीक है। और सर 13 का अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स एंड एल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड एलिफैटिक का सैचुरेटेड रहेगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाँ एलिफैटिक है, एरोमेटिक नहीं है ये, ठीक है। एलिफैटिक ही बोला था। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन। सर इसकी डी ऑप्शन बेंजीन। हाँ बेंजीन में रिंग होती है, ठीक है। अगला 15th बताओ। ए ऑप्शन कार्बन फिर तुमने गलत किया, तुमने पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। कंपाउंड्स वेरी स्टेबल होते हैं सर, तो ऑल ऑफ दीज आर। तो देखो ये गलती करोगे ना अगर, तुमको आगे चल के कुछ कंपटीशन करना है नहीं करना है बताओ। जैसे पेपर भी मेरा आपको हाँ पर ऐसी गलतियां करोगे ना तो भगवान भी नहीं बचा सकता, आता हुआ गलत करोगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो।